वेलकम बैक टू स्टॉक्स पाव यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के। जैसे कि सभी जन जानते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन में ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकें कि तकरीबन फंडामेंटल नंबर जानेंगे, उसके पहले लेटेस्ट कोई अपडेट आए क्या उसके ऊपर नज़र डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकें कि 2 डेज आगो का है क्लैरिफिकेशन ऑन न्यूज़ आइटम, जियो गेट्स एनसीएलटी अप्रूवल टू एक्वायर रिलायंस इंफ्राटेल। तो जियो को यहाँ पे आप देख सकते कि एनसीएलटी का अप्रूवल मिला है तकरीबन रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर करने के लिए। ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन। और फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है 636 करोड़ की है, पी रेशो नहीं है, बुक वैल्यू -232, डिविडेंड नहीं है, आरओसी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू ₹5 का है। फिर डेब्ट की बात किया तो कंपनी के ऊपर टोटल लोन जो है 45,500 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट कंपनी को 6,997 करोड़ का लॉस हो चुका है, ईपीएस है -25 का। फिर एक साल में 20% की गिरावट है, प्रॉफिट में 23% ऑफ है स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से 1.81% ऑफ है, सेल्स 519 करोड़ के, सेल्स का ग्रोथ -18% है और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में -48% का है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 53 करोड़ के, टोटल एसेट 47,679 करोड़ के, डेब्ट टू इक्विटी नहीं है। तो ईबिटा -13.6 है, इक्विटी कैपिटल 1,383 करोड़ का है और डिविडेंड पे आउट नहीं है, प्रमोट होल्डिंग बहुत ही कम है और एवरेज प्रॉफिट की बात किया तो कंपनी को हर साल 15,000 करोड़ का लॉस होता हुआ नज़र आ चुका है। तो ये थे लेटेस्ट फंडामेंटल नंबर्स रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए।